आरसीपी यात्रा की, जिसे लेकर पीसीसी वॉर रूम में इस वक्त बड़ी बैठक हो रही है। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बैठक में मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के नेता मीटिंग में मौजूद हैं। ईआरसीपी यात्रा को लेकर ये मंथन हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, परसादीलाल मीणा भी मौजूद हैं। ममता भूपेश, गोविंद राम मेघवाल और रोहित बोहरा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। भजनलाल जाटव और राजेंद्र यादव भी इस मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। सीडब्ल्यूसी सदस्य मोहन प्रकाश, विधायक रफीक खान भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। ईआरसीपी यात्रा की तैयारियां, रूट और मुख्य सभाओं पर मंथन, मेन एजेंडा जिस पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। तो ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए पूर्वी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की यात्राएं निकलेंगी। इन यात्राओं की किस तरह की रूपरेखा होगी, किस तरीके की तैयारियां रहेंगी, क्या रूट होगा, मुख्य सभाएं कहां कहां होंगी, किस तरीके की होंगी, इस पर इस वक्त मंथन किया जा रहा है। और सीएम अशोक गहलोत के अलावा जो तमाम नेता इस बैठक में मौजूद है, उनके नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सीडब्ल्यूसी सदस्य मोहन प्रकाश, विधायक रफीक खान इस बैठक में मौजूद हैं। भजनलाल जाटव और राजेंद्र यादव भी मौजूद हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के भी जो तमाम कांग्रेस पार्टी के चेहरे हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ममता भूपेश, गोविंद राम मेघवाल, रोहित बोहरा भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये मीटिंग जो हो रही है इस वक्त उसकी दिखा रहे हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सह प्रभारी अमृता धवन, गोविंद राम मेघवाल, लालचंद कटारिया, ये तमाम नेता आपको इस मीटिंग में नजर आ रहे हैं। स्पीकर सीपी जोशी और साथ ही साथ आप देख सकते हैं विधायक रफीक खान भी इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। पूर्वी राजस्थान को लेकर चर्चा हो रही है, तो पूर्वी राजस्थान के बड़े चेहरे भजनलाल जाटव, ममता भूपेश, ये तमाम नेता इस बैठक का हिस्सा हैं। क्या रूपरेखा रहेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यात्राओं की, ईआरसीपी यात्रा को लेकर कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी को घेरेगी, क्योंकि ईआरसीपी वो मुद्दा है जो पूर्वी राजस्थान में 13 जिलों को पानी पहुंचाने को लेकर है और ये वादा वसुंधरा सरकार में किया गया था। अब कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना क्यों केंद्र सरकार ने घोषित नहीं किया, और अपने स्तर पर जो काम राज्य सरकार करवा रही है ईआरसीपी को लेकर, उसमें भी विघ्न डाले जा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो अब ईआरसीपी का जो ये मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है पूर्वी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार साबित होगा ऐसा माना जा रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने पहले से तैयारी कर ली है, ईआरसीपी यात्राएं निकलेंगी ईआरसीपी को लेकर, जिसमें केंद्र सरकार को जमकर घेरेगी कांग्रेस। एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो वहीं केंद्र को घेरने के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना क्यों घोषित नहीं किया गया, वादा करके भी क्यों मुकर गए, इन 5 सालों में क्यों ईआरसीपी पर कोई काम नहीं किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी यात्राएं करेगी पूर्वी राजस्थान में, और उसी को लेकर यह बैठक इस वक्त चल रही है। और हमारे सहयोगी लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। लोकेश, सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी इस बैठक में हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, तमाम नेता इस बैठक में मंथन कर रहे हैं ईआरसीपी यात्रा को लेकर, यानी ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की फुल ऑन तैयारी कांग्रेस कर रही है। और क्या जानकारी बैठक से आती हुई, देखिए ईआरसीपी को लेकर जिन जिलों के अंदर ईआरसीपी परियोजना लागू की गई है, उन जिलों के अंदर ये कांग्रेस की यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं इन यात्राओं में मौजूद रहेंगे। पहले ये यात्रा 25 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन जो अन्य गतिविधियाँ थी कांग्रेस पार्टी की और सरकार की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो मिशन 2030 को लेकर लगातार जो दौरे किए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुझाव लेने काम किया, उसकी वजह से स्थगित की गई थी। लेकिन अब 5 दिन की जो यात्रा है पुनः शुरू की जाएगी। यात्रा का रोडमैप तैयार करने के लिए आज तमाम जो नेता है वो एकजुट हुए हैं, मुलाकात कर रहे और चर्चा कर रहे कि किस तरह का यात्रा का रूट होगा, सभाएँ कहाँ कहाँ होगी, और साथ ही
कौन कौन से केंद्रीय जो नेता है, चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कौन कौन इसमें मौजूद रहेंगे, इन सबको लेकर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो पूर्वी ये जो पेयजल परियोजना है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले 5 सालों में आंदोलन कर रही है और केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाया जाए। देखिए, जिस तरह से एमपी से आने वाला जो नदियों से आने वाला जो पानी है और एमपी के अंदर जिस तरह से बीते 5 सालों के अंदर अलग अलग बड़े बांध बना दिए गए, तो नदियों से जो पानी बहकर राजस्थान में आता था, राजस्थान के हिस्से का जो पानी था वो कहीं ना कहीं रुक रहा है और उस पानी का जो हिस्सा राजस्थान का उसी को लेने के लिए ही राजस्थान के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्र से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग कर रही है। यही नहीं, पिछले चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने भी कहा था कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और उसका अर्थ यह रहा कि राजस्थान के अंदर 5 साल में जो पेयजल को लेकर जो काम होना चाहिए था, ईआरसीपी को लेकर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और जो उसी मुद्दे को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी अब यात्रा निकालेगी, चुनावी मुद्दा इसको बना रही है, और इसी चुनावी मुद्दे को देखते हुए ही कांग्रेस पार्टी अब चुनाव के अंदर लगातार अब जो यात्रा निकालेगी, मुद्दा बनाएगी। और जिस तरह से देखने को भी मिला कि बीते दिनों जो भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा थी या फिर अन्य जो नेता आए थे केंद्रीय नेता, उनके दौरान भी कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया, विरोध जताया गया और मांग रखी गई कि केंद्र परियोजना इसको बनाया जाए, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। और अब भी कांग्रेस पार्टी इसी को बनाने के लिए पूरी एक यात्रा निकाल रही है, पूरा रोडमैप बनाने के लिए, और उसी यात्रा को लेकर आज यहाँ बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक मौजूद है, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है, प्रभारी सुजेंद्र सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृत धवन, वीरेंद्र सिंह मौजूद है। इसके अलावा मंत्री राजचंद कटारिया, गोविंद राम मेघवाल, भजन लाल जाटव, राजेंद्र यादव, ममता उपे सहित अन्य जो मंत्री है वो मौजूद है, विधायक भी मौजूद है। तो इस तरह से एक रणनीति और समीकरण इस यात्रा का बनाया जाए, रोडमैप आज तय होगा, समय तय होगा और समय कब और कहाँ से यात्रा निकाल जाएगी, इन सबको लेकर आज की रणनीति बनाई जा रही है और बैठक हो रही है। इस बैठक के बाद में घोषणा होगी कि कहाँ कहाँ इस बार कांग्रेस पार्टी अब जो यात्रा है वो निकालेगी, किस तरह का रूट होगा और कहाँ कहाँ और कौन कौन बड़े नेता इस यात्रा के अंदर आएंगे, और हर एक व्यक्ति तक वो मैसेज कांग्रेस पार्टी पहुंचाना चाहती है जो केंद्र सरकार ने ईआरसीपी को लेकर काम नहीं किया। और राजस्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण योजना है जल की, और पूरे राजस्थान जो इसमें पहले 13 जिले थे लेकिन अब जो नए जिले बनाने के बाद में करीब 16 जिले इस परियोजना में शामिल हो रहे, 17 जिले इस परियोजना में शामिल हो रहे, तो कहीं ना कहीं इन 17 जिलों के अंदर हर घर तक पानी पहुंचाने का काम, पेयजल और साथ साथ सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का जो काम है वो इस परियोजना के तहत है, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार अपने ही खर्चे पर इस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ईसरदा बांध इसी परियोजना के तहत बनाया गया है और अन्य छोटे बांध और साथ ही जो बड़े बांध है उनकी ऊंचाई बढ़ाने का काम है वो भी इसी के तहत किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल लोकेश, एक बात यहाँ पर लेकिन समझना बहुत ज़्यादा आसान है कि ईआरसीपी जो मुद्दा है वो जाहिर तौर पर पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बनाने की तैयारी में, यानी ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर ही आप चुनावी जंग जो है बीजेपी के साथ लड़ेंगे इस पूर्वी राजस्थान में। लेकिन एक और बात यहाँ पर सामने है कि बीजेपी पूरी तरीके से इस मुद्दे पर बैकफुट पर है और बड़ा मौका कांग्रेस पार्टी को इसीलिए मिल पा रहा है क्योंकि इन बीते 5 सालों में लगातार ईआरसीपी का कई बार जिक्र हुआ कि राष्ट्रीय परियोजना बनाइए, नहीं बनाई गई, वादा बीजेपी की सरकार में हुआ था, तो बैकफुट पर बीजेपी सीधे तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, परियोजना का जो ड्राफ्ट है वो बीजेपी सरकार के दौरान ही हुआ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हमने योजना को आगे बढ़ाया, यानी कि ईआरसीपी को बंद नहीं किया, इसके ऊपर काम किया, बजट दिया ईआरसीपी को और काम भी किया गया। और अब जो वादा किया गया था, पीएम मोदी ने वादा किया था अजमेर की सभा में कि राजस्थान के अंदर जो ईआरसीपी है इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे और राजस्थान के हिस्से का पानी जो पूर्वी जो नदियों से जो आने वाला था, जो एमपी से जो नदियों से पानी आता है उस पानी का जो हक राजस्थान को जितना होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो हक राजस्थान को दिया जाएगा। और इसी वादे के साथ में पिछले चुनाव के अंदर जो भाजपा ने कैंपेनिंग की, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर, इस परियोजना को लेकर कांग्रेस जो भाजपा केंद्र सरकार ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया, ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर भुनाने के लिए कांग्रेस पार्टी अब राजस्थान के अंदर इस जो ईआरसीपी
को लागू होने वाले जो जिले हैं उनके अंदर रैली निकाली जाएगी। रैली का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हर एक व्यक्ति तक जो केंद्र का जो वादा था वादा पूरा नहीं करने के लिए हर एक व्यक्ति तक भाजपा को घेरने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। हर एक व्यक्ति तक मैसेज पहुँचाने काम करेगी कि जो वादा करते हैं वो वादा निभाते नहीं, हम वादा करते हैं तो वादा निभाते हैं, ऐसा जो संदेश है वो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हर एक व्यक्ति तक देने के लिए ये रैली और जो यात्रा है सभा है वो इस आरसीपी को लेकर करती जा रही है। जी बिल्कुल लोकेश, इन सभाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही मुख्य चेहरा होंगे इस यात्रा में। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी इस यात्रा में जरूर हिस्सा लेंगे, लेकिन जो मेन ये यात्रा निकाली जा रही है सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही निकाली जाएगी। देखिए पार्टी की ओर से यात्रा होगी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे, केंद्र के नेता मौजूद रहेंगे और प्रदेश के भी वरिष्ठ जो नेता है जो बड़े नेता है वो इन यात्राओं में सभाओं में मौजूद रहेंगे और हर एक विधानसभा क्षेत्र से होते हुए जो यात्रा निकलेगी या प्रत्येक जिले के अंदर बड़ी सभाएँ करने का है कार्यक्रम वो भी इस यात्रा के दौरान रखा जाएगा। और अन्य जो चुनावी समय में जो दावेदारी कर रहे हों टिकटोकिया कर रहे हैं या फिर जो मौजूदा विधायक है या फिर विधायक प्रत्याशी रहे हुए सब अपना सहयोग और योगदान देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से रैली निकालते हुए जो जिस रूट से यात्रा निकलेगी उस यात्रा में शामिल होंगे और एक बड़ी सभा भी हर एक जिले के अंदर आयोजित की जाएगी। उस सभा के अंदर भी तमाम जो विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं जो जनप्रतिनिधि है या फिर बात करें तो जो लोग हैं वो इन सभाओं के अंदर भी शामिल होंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह डोटासा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित जो अन्य जो AICC के चाहे उसमें अभी बात चल रही कि राहुल गांधी भी होंगे या फिर सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वरिष्ठ जो AICC के जो नेता है उनको भी इन यात्राओं में आमंत्रित किया जाएगा। तो एक तरह से पूरा जो चुनावी यात्रा होगी और ERCP का जो मुख्य मुद्दा है उसी को लेकर ये कि अब रणनीति के ऊपर काम होगा और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी इन चुनावों के अंदर जाएगी, हर एक व्यक्ति तक जो संदेश पार्टी देना चाहती है वो पहुंचाने का काम इसमें किया जाएगा। शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए।